बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल नसरीन किचन एंड व्लॉग्स। में आज की रेसिपी आके है चावल के पापड़। ये है 2 गिलास चावल का आटा है, ये 1.25 गिलास मैदे का आटा है। बिना धूप में सुखाए हुए भी ये चावल के पापड़ बना सकते हैं। वो कैसा बनाते हैं मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, रमज़ान आने वाला है, गर्मियाँ शुरू हो गए, अब चावल के पापड़ बनेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, 2 गिलास चावल का आटा और 1.25 गिलास मैदे का आटा। ये देखिए, गैस पे भगोना रख चुकी हूँ। अब इसमें डालेंगे पानी। एक गिलास आटे को 2 गिलास पानी डालिए, इसका मेजरमेंट। ये देखिए, इसमें और थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसमें मैदे का आटा भी है ना, इसलिए और थोड़ा पानी ज़्यादा लगता। अब इस पानी को खौलने देंगे। इसी पानी में डालेंगे 1 चम्मच जीरा। और नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। और इसको ढक्कन डाल के पानी को खौलने देंगे। ये देखिए, पानी खौल रहा है, इसी में डालेंगे अब खाने का सोडा। देखिए, 1 चम्मच खाने का सोडा ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें तिल भी डाल सकते हैं। देखिए, पानी का कलर कितना अच्छा आया है जीरा डालने से। आप चाहे तो इसमें तिल भी डाल सकते हैं। देखिए, अब इसी में ये चावल का आटा है वो ऐड करेंगे। और ये मैदा भी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन डाल के छोड़ देंगे थोड़ा ठंडा होने तक, इसी स्टेज पे। ये देखिए, अब इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ढक्कन डाल देंगे। देखिए, आटा ठंडा हो चुका है। इसको इस तरीके से अच्छे से मसल के इस तरीके से पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, आपको जितना साइज चाहिए उतना साइज बनाइए पेड़ों का। और इस तरीके से एक कवर ले लीजिए, इसको नीचे से तेल लगा के इसको इस तरीके से फोल्ड करिए। देखिए, इस तरीके से रख लेके एक ढक्कन के मदद से हो या डिब्बे के मदद से इस तरीके से प्रेस करिए। आपको जितना साइज चाहिए इतना। देखिए, माशाल्लाह, देखिए इसी तरीके से सारे पापड़ बना लेंगे। ये बना के मिलती है। देखिए, हमारे पापड़ किस तरीके से बन चुके हैं, माशाल्लाह। अब सारे पापड़ बन के मिलती हूँ मैं आपसे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पापड़ बन चुके हैं माशाल्लाह। एक दुपट्टा डाल के इसके ऊपर फैन के नीचे डाल चुकी हूँ मैं। ये देखिए, थोड़े से हवा भी खा गई है, सबसे पहले बनाए थे। ये देखिए माशाल्लाह। फैन के हवा में सूखेंगे तो 2-3 दिन लगेंगे अच्छे से सूखने के लिए। एक दिन ऐसा सुखा देंगे, दूसरे दिन एक दिन धूप में डालेंगे तो जल्दी से सूख जाएंगे पापड़, माशाल्लाह।
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को ज़रूर क्लिक कीजिए। मैं पापड़ सूखने के बाद आप लोगों को तल के भी दिखाऊंगी कैसे बने हैं इंशाल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स, पापड़ अच्छे से सूखे हैं, ये बनाए हुए पापड़। इंशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इस पापड़ को मैं तल के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए तेल गरम हो चुका है, इसको पापड़ डाल दें। माशाल्लाह देखिए पापड़ किस तरीके से फूल रहे हैं, माशाल्लाह। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए पापड़ को, सिंपल और इजी है ये। इसी तरीके से सारे पापड़ तल के मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखिए हमारे पापड़ तले हुए पापड़ माशाल्लाह कितने बेहतरीन लग रहे हैं, एकदम क्रिस्पी। कलर भी देखिए इसका कितना अच्छा आया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए चावल के पापड़ मेरे बताए हुए तरीके से, इंशाल्लाह बहुत अच्छे जमेंगे। ये देखिए एकदम क्रिस्पी पापड़ है ये, ऐसे तोड़ेंगे तो एकदम चूरा चूरा हो जाएंगे। देखिए एकदम। और मेरे चावल के पापड़ की रेसिपी पसंद आए तो इंशाल्लाह मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को ज़रूर क्लिक कीजिए और ऑल ऑप्शन को भी क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आपसे अगले रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर लेना मत भूलिए इंशाल्लाह।